गुड इवनिंग एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन पर। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन पूरी केमिस्ट्री का इतना बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है जिसे किताबों में लिखा तो बहुत अच्छा जाता है, लेकिन उस पर अच्छा कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं रहता। और रिजल्ट ये रहता है कि एंड ऑफ द सेशन पर अगर किसी स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि उनको उन ऑर्बिटल डायग्राम्स का मतलब पता है कि नहीं, तो उन्हें अनफॉर्चुनेटली नहीं पता होती ये चीज़ें। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को कम से कम इतनी चीज़ें समझ में आ जाए कि वो डायग्राम्स कैसे बनते हैं और वो डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन जो है वो एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से है, इंटरमिक्सिंग ऑफ सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विथ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, देयरफॉर फॉर्मिंग अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड शेप। कहने का मतलब यह है कि एनसीईआरटी ये कहती है कि हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें बहुत ही स्लाइट डिफरेंस के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, आपस में मिक्सअप होते हैं और सेम और बैलेंस्ड एनर्जी वाले मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अगर हम बात करें विकीपीडिया के डेफिनेशन की, तो विकीपीडिया का डेफिनेशन भी ऐसा ही कुछ कहता है। अगर उसकी टर्मिनोलॉजी पर जाएं तो इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनटू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विथ डिफरेंट एनर्जीज शेप्स एटसेट्रा देन द कॉम्पोनेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बात वही है, सिर्फ कहने का तरीका अलग है। तो एक कंक्लूडेटरी स्टेटमेंट अगर हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनेशन की दी जाए तो वो ये कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जी, कंपेरेबल का मतलब होता है ऑलमोस्ट सेम, और ऑलमोस्ट सेम ना हो तो बहुत ही स्लाइट डिफरेंस के साथ, तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल एनर्जी और ऑलमोस्ट कंपेरेबल ओरिएंटेशन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करेंगे तब सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी वाले जो हाइब्रिडाइज्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, यही प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ती क्यों है मॉलिक्यूल्स को। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो असल में एक ऐसा प्रोसेस है जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अलाउ करता है कि वो आपस में मिक्सअप होकर के एक बैलेंस्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जैसा प्लेन तैयार करें। कहने का मतलब ये कि अगर जैसे मान लीजिए आपके पास 5 रुपए है और आपके दोस्त के पास 10 रुपए हैं, तो जब दोनों अपना अपना कुछ हिस्सा शेयर करेंगे और 7.5 रुपए पर आकर के रुकेंगे तो दोनों बिल्कुल सेम हो चुके होंगे। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर हाइब्रिडाइजेशन वर्क करता है। और अगर किताबी लैंग्वेज की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन अलाउज मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय मिनिमाइजिंग द एनर्जी बाय हैविंग अ शेप विद इक्वल अलॉटमेंट ऑफ एनर्जीज। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फुलफिल करनी होती हैं। जैसे कि सबसे पहला तो ये है कि जो पार्टिसिपेट करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो, अगर ऑलमोस्ट सेम नहीं है तो बहुत ही स्लाइट डिफरेंस के साथ होनी चाहिए, साथ ही साथ उनका ओरिएंटेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर होगा ओरिएंटेशन में तो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज नहीं करेंगे। दूसरी शर्त यह है कि जितनी संख्या में या जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतनी ही संख्या में हाइब्रिडाइजेशन के बाद मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। कहने का मतलब ये कि अगर 3 पार्टिसिपेट किए तो 3 बनेंगे, 4 पार्टिसिपेट करेंगे तो 4 बनेंगे। अगली चीज, जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे कि sp है तो वो लीनियर शेप देगा मॉलिक्यूल को, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर देगा। तो जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है यही डिसाइड करता है कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसका क्या शेप निकल करके आने वाला है। अगली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। ये चीजें आने वाले स्लाइड्स में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये कैसा होता है। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के वैसे तो टोटल 6 टाइप्स हैं, जिसमें से बेसिक जो है वो 3 है, sp, sp2 और sp3, और कॉम्प्लेक्स जो है वो sp3d, sp3d2 और sp3d3 हैं। जनरली आप लोगों के जो यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स और यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स और स्कूल लेवल एग्जाम्स में बेसिक को ही डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है, और ये वीडियो उसी चीज पर आधारित है। तो इस वीडियो के अंत तक हम लोग sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को ही फोकस करने वाले हैं। देखिए,
जो सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन है बेसिक में sp हाइब्रिडाइजेशन, नाम से ही पता लग रहा है कि जब इसमें एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ में मिक्सअप होगा तब जो नया मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनने वाला है ये कहलाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। देखिए कलर में वेरिएशन इसलिए रखा है मैंने ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए कि जो पार्टिसिपेट किए थे और जो पार्टिसिपेशन के बाद बना है वो टोटली डिफरेंट है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके के भी डायग्राम्स रहते हैं, जैसे कि एक डायग्राम ये है जो आपको कुछ बुक्स में मिलेगा। देखिए अच्छा एक चीज मैं और आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर एस और पी दो ओवरलैप कर रहे हैं या दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बनने भी दो चाहिए। जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वो भी दो ही है, लेकिन कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डायग्राम अभी बनने वाला है जो हाफ मैंने बनाया, ये एक sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जबकि ये दूसरा sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो मैंने बनाया है। इस तरीके से ये जो एक डंबल शेप स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हुआ जिसके अंदर में दो छोटे छोटे लोब्स आपको दिख रहे हैं, ये एक sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सेट है जिसमें दो sp हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। कुछ किताबों में आपको ऐसा डायग्राम भी देखने को मिलता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तीनों डायग्राम्स बिल्कुल सिमिलर हैं। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक है एस एक है पी, तो बनने वाले जो दो मतलब माफ कीजिएगा जो बनने वाले मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें भी इनका ही ट्रेट या कह लीजिए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। इसीलिए जो sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का टोटल कैरेक्टर है वो सिर्फ एक एस और एक पी मिलकर ही डिसाइड करेंगे। यही रीजन है कि 50% एस कैरेक्टर और 50% पी कैरेक्टर ही कैरी फॉरवर्ड होता है किसी भी sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आप लोगों से कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने पार्टिसिपेटिंग में होंगे, पार्टिसिपेशन के बाद बनने वाले मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में भी उतने ही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैरी फॉरवर्ड होने चाहिए। देखिए अगर एस के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और पी के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो बनेंगे उनमें भी सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। अब इस sp हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग एक छोटे से एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि बेरिलियम आप लोगों को याद होगा, बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2, लेकिन उसी बेरिलियम को अगर आप देखें उसके एक्साइटेड स्टेट में तो उसके 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है 2p पे। और इस तरीके से जो लाल डॉट में आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2s का एक ऑर्बिटल 2p का एक ऑर्बिटल, ये जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वही कहलाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो कहने का मतलब ये कि जो ऊपर आप लोगों को s और p दिख रहा है जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वो अगर बेरिलियम के लिए बात करें तो वो बेरिलियम का ही 2s है और जो p है वो बेरिलियम का ही 2p है, क्योंकि एक एस और एक पी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं इसीलिए ये हाइब्रिडाइजेशन sp ओवरलैपिंग है, माफ कीजिएगा sp हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है। अगर बात करें sp हाइब्रिडाइजेशन से बनने वाले जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनके बॉन्ड एंगल और शेप की, तो एक उनका प्री डिफाइंड बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, और प्री डिफाइंड जो कह लीजिए डिफॉल्ट उनकी ज्योमेट्री होती है या उनका जो शेप होता है वो होता है लीनियर। अब इसी एग्जाम्पल को माफ कीजिएगा sp हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग समझते हैं बेरिलियम के किसी कंपाउंड के एग्जाम्पल के हिसाब से। जैसे जो अभी अभी sp हाइब्रिडाइजेशन वाला मॉलिक्यूल हम लोगों ने बनाया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब इसके साथ आकर के ये देखिएगा जब sp हाइब्रिडाइज्ड बेरिलियम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल माफ कीजिएगा बेरिलियम के जो sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जब उनके साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कोई भी दो एटम्स आकर के एकोमोडेट होंगे तो उस एंटायर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन भी वही रहेगा जो बेरिलियम का है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है बेरियम बेरियम हाइड्राइड BeH2। आप देख सकते हैं कि बेरिलियम के पास दो लोब्स में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे और उन दोनों के साथ अनपेड अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन आकर के पेयर अप हुए हैं। जरूरी नहीं है कि आप हाइड्रोजन ही लेकर के चलें, आप फ्लोरीन भी ले सकते हैं आप क्लोरीन भी ले सकते हैं, लेकिन क्लोरीन के ऊपर आपको नहीं जाना है। वो इसलिए क्योंकि क्लोरीन के ऊपर अगर आप जाते हैं यानी कि ब्रोमीन तक चले जाते हैं तो वहां पे आप थर्ड ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे, माफ कीजिएगा आप फोर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे,
और बेरिलियम है सेकेंड ऑर्बिट वाला, तो सेकेंड और फोर्थ ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का जो गैप है वो काफी ज्यादा रहता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत ही स्लाइट एटॉमिक एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक्स में यूजुअली दिया रहता है BeCl2 का। BeCl2 के लिए आपके पास sp हाइब्रिडाइज्ड बेरिलियम और उसके साथ दो क्लोरीन। अब जो क्लोरीन है वो तीन तीन लोब्स वाले, इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि क्लोरीन का होता है लास्ट 3s2 3p5। 3p5 का मतलब 3p के फर्स्ट और सेकंड में पेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जबकि जो थर्ड वाला रहेगा उसमें सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही बेरिलियम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयर अप होने वाला है। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल बनेगा BeCl2 उसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। सिर्फ यही नहीं, आप बेरियम के किसी भी कंपाउंड को लीजिए जिसमें दो बॉन्ड्स आइडियली बन रहे हों, सिग्मा और बेरिलियम ही उसमें सेंट्रल एटम हो, उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन sp ही मिलेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें एक s और दो p ओवरलैप करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोरॉन लिया है। अब देखिए बोरॉन जो है इसमें आपके पास एक ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p1 है, लेकिन जब वही बोरॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो 1s2 2s1 2p2 हो जाता है। नंबर ऑफ अवेलेबल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 3, और इस कंडीशन में जो उसका 2s है वो दोनों 2p ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैप करने वाला है। इसी तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखते हैं कि ये जो sp है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना है, ये आप लोगों को बनाना कैसे है। तो ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए तीन एटॉमिक ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बनने भी तीन चाहिए। तो जो तीन बनाने हैं आपको, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये पहला बना, ये दूसरा बना, और ये तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनके तैयार है। अगर आइडियली बात करें तो ये लीजिए, जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन से पहले थे वही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। आइडियली बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, 120 डिग्री, और आइडियल जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर रहता है मॉलिक्यूल का वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। अगर बात करें कैरेक्टर्स की तो तीन ऑर्बिटल्स मिलकर के 100% कैरेक्टर डिसाइड करने वाले हैं किसी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। इस तरीके से s का कंट्रीब्यूशन गया 33.33%, जबकि p ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन गया 66.7%। अब इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। आप लोगों को याद होगा आपकी बुक में मेंशन है यही एग्जांपल BCl3। BCl3 अब बनेगा कैसे, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बना आपका बोरॉन, और इस बोरॉन के साथ में हम लोगों को चाहिए तीन क्लोरीन। जरूरी नहीं, अच्छा वही बात मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि हम क्लोरीन ही लेकर के चलें। अगर आप एग्जाम में BH3 भी लिख करके आते हैं और क्लोरीन के ये तीनों पी ऑर्बिटल्स की जगह आप तीन हाइड्रोजन के स्फेयर्स भी बना के आते हैं, आपका आंसर तभी भी सही रहेगा। ये लीजिए, ये एक क्लोरीन, उसके बाद ये दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन। जब ये आपस में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे उसके बाद जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन करके तैयार होगा ये है आपका BCl3, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, अगेन वही सारी चीजें कि एक s 3p के साथ में ओवरलैप कर रहा है तो जो कंडीशन बनेगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल लिया है कार्बन का, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन 2s1 और 2p3 हो जाता है। देखिए एक चीज ध्यान में रखने की बात यह है कि आपको एक्साइटेड स्टेट इसलिए लेना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में एक्साइटेड स्टेट में ही कोई एटम अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकने की हालत में होता है। सिर्फ यही रीजन है कि हम लोग एक्साइटेड स्टेट लेकर के चल रहे हैं। तो देखिएगा कार्बन अपने एक्साइटेड स्टेट में 2s1 है और 2p3 है। इस तरीके से ये 1s3p के साथ ओवरलैप करने वाला है, इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बनाना कैसे है ये देखिए, ये पहला आपने बनाया, ये दूसरा आपने बनाया, ये तीसरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये चौथा sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनके तैयार। आइडियली वही जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाद में भी कैरी फॉरवर्ड होंगे।
एक आइडियल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्रीज। कुछ पुरानी किताबों में हो सकता है आपको ये 109.8 डिग्री भी मिले, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर, तो एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल्स होने के कारण एस कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन जाता है 25% का, जबकि पी कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन जाता है 75% का। एक एग्जांपल को ले लेते हैं, और ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा एसपी हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन का एटम। अब ये जो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनके साथ में आप किन्हीं भी अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले एटम को आप एडजस्ट करवा सकते हैं। यहां पर हम लोग लेने वाले हैं हाइड्रोजन, वो इसलिए क्योंकि आपके कोर्स बुक में भी हाइड्रोजन ही रहता है, CH4 का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, इसलिए हम लोगों ने हाइड्रोजन लिया है। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल बनेगा वो CH4 है, लेकिन अगर आप एग्जाम में हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन भी बना करके आते और चारों एंड्स पर आप चार क्लोरीन के ट्रिपल लोब्ड स्ट्रक्चर बनाते और मॉलिक्यूल बनता आपका CCl4, आंसर आपका तभी भी सही होता, हाइब्रिडाइजेशन उसकी भी sp3 होती। तो जब ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल बनकर तैयार हुआ ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला मिथेन का मॉलिक्यूल। थैंक यू, एंजॉय योर स्टडीज। आशा है कि बुक्स में दिए हुए जो डायग्राम्स थे वो कैसे बनाए जाते हैं इस वीडियो के अंत तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।